स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी विद स्वाति में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से आपका पेपर थर्ड को लेकर के, यानी जो आपका 2018 में पेपर आया था स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक और बताया था। यहाँ पर आपका दूसरा है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन का, यानी विद्यालय प्रबंधन एवं स्वच्छता। तो ये है आपका पेपर थर्ड, ये आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, यानी प्रयागराज विश्वविद्यालय का ये आपका पेपर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले भी इस पेपर को देख सकते हैं क्योंकि इसमें जो आपके पेपर होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। आपके चार पेपर होते हैं तो यहाँ पर भी चार ही पेपर पूछे गए हैं, सब्जेक्ट आपके सेम हैं, ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, बाकी क्वेश्चन उतने ही पूछे जाते हैं जितने कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं पेपर थर्ड को लेकर के, यहाँ पर समय दिया है 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स दिया है 70, पेपर थर्ड है आपका। नोट में दिया है यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आ बा एवं सा में विभाजित है, प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए, खंड आ बा एवं सा क्रमशः 24, 14 एवं 32 अंकों का है, ठीक है। खंड आ देख लेते हैं, इसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, यानी जो आपके संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखने को आती हैं वो आपके पार्ट वन यानी खंड आ में लिखने को आती है, जो कि आपकी कंपलसरी रहती है, इसमें आपको चॉइस नहीं रहती, यानी आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता। इसमें आपके 8 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें पहले क्या कुछ दिया है। इसमें लिखा है इस खंड में केवल 1 प्रश्न है जिसमें 8 उप प्रश्न हैं, इसमें प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 100 शब्द है, इस खंड के सभी उप प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंक का है, इस खंड में प्रश्न समस्त पाठ्यक्रम से हैं। इस खंड में जो भी प्रश्न दिए हैं वो आपके पाठ्यक्रम से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपकी शब्दों की सीमा जो होनी चाहिए वो 100 शब्द का होना चाहिए, यानी लगभग आपका 1 पेज होना चाहिए आपकी संक्षिप्त टिप्पणी के लिए। तो इसमें आपका दिया है विद्यालय वातावरण से आप क्या समझते हैं, बी है विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यालय प्रशासन में अंतर कीजिए, सी है प्रधानाचार्य में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, डी है विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ का क्या महत्व है, ई है एक शिक्षक के लिए शैक्षिक प्रशासन का ज्ञान क्यों आवश्यक है, एफ है विद्यालय वित्त की आवश्यकता को बताइए, जी है स्वास्थ्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए, एच है छात्रों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो ये हो गए आपके शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, जो भी आपके पूछे जाते हैं, आपके 8 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब देखेंगे खंड बा यानी सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं ये आपके। नोट में दिया है इस खंड में कुल 2 प्रश्न करना अनिवार्य है, अधिकतम शब्द सीमा 300 शब्द है, सभी प्रश्न 7 अंकों का है, इस खंड में भी प्रश्न समस्त पाठ्यक्रम से हैं, मतलब इस खंड के जो भी प्रश्न हैं ये सभी आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड हैं। तो इसमें नंबर 2 देखेंगे, नंबर 2 दिया हुआ है छात्रावास वार्डन के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, 3 क्वेश्चन है आपका विद्यालय पुस्तकालय का क्या महत्व है विवेचना कीजिए, 4 है आपका विद्यालय प्रशासन कला एवं विज्ञान दोनों है तर्क दीजिए, 5 है विद्यालयों में प्राथमिक उपचार की शिक्षा का क्या महत्व है स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये खंड बा हो गया जो कि आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, इसमें आपके शब्दों की सीमा दी है 300 और आपको इसमें 2 अटेम्प्ट करने हैं, जो भी आपको 2 अच्छे से आते हैं वो आप अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। और इसमें मार्क्स की बात की जाए तो 7 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम देखेंगे खंड सा यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, नोट में दिया है इस खंड के 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है, उत्तर अधिकतम 600 शब्दों में लिखिए, इस खंड में भी प्रश्न समस्त पाठ्यक्रम से होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा नोट जो दिया है आपका थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ नोट 2nd वाला आप देखिए, इसके हिसाब से आप चलेंगे, ठीक है। यानी 16 नंबर का आपका 1 प्रश्न है, इसमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं, शब्दों की सीमा 600 है। तो आप नोट जो 2 दिया है करके ये वाला, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, वो मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा। तो इसमें नंबर हमारा 6 आएगा, यहाँ पर 6
6 पड़ेगा ये वाला नंबर पहला। विद्यालय वातावरण को किस प्रकार उन्नत बनाया जा सकता है, सुझाव दीजिए। 7 नंबर है, शिक्षा की गुणवत्ता के मापदंड क्या है, शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत बनाने में समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। फिर आपका 8 आएगा, विद्यालय के बजट निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 9 है, शारीरिक अभ्यास क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तो ये हो गए आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपको यहाँ पर 4 दिए हैं, इसमें से आपको 2 करना है। तो यहाँ पर हमारा पेपर 3rd जो था वो कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं, लगभग आपके रेपिटेटिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हर साल, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर आपके प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। और साथ ही ओरिजिनल पेपर की बात की जाए तो आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका 20 तारीख को है, ठीक है। तो 20 तारीख को जब आपका पेपर 3rd आएगा, यानी स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन का जो पेपर होगा, उसका मैं अपलोड कर दूंगी वीडियो जैसे ही इसका एग्ज़ाम होता है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले भी इस पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि उनके भी पेपर सेम वैसे ही हैं सारे, ऑप्शनल पेपर छोड़ करके, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाएँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि लगभग आपके रेपिटेटिव क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं, आपके जो भी सुझाव हैं वो दे सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। साथ ही आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मेरे नाम से स्टडी विद स्वाति के नाम से, जहां पर आपको सभी वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप किसी भी वीडियो पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।